अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। इट्स मी फिज़ा, वेलकम टू माय चैनल। अभी मैं यूनिवर्सिटी जाने लगी हूँ और आज की व्लॉग में आपको बहुत ही मज़े के क्लिप्स देखने को मिलेंगे कि स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के अलावा और क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं जो वो परफॉर्म करते हैं, क्या कुछ करते हैं, लेकिन उनके बारे में कोई बात नहीं करता, कोई स्टूडेंट उसको ओपनली बताता भी नहीं कि मैंने आज यूनिवर्सिटी में ये काम किया। सो आपको बहुत ही इसमें फन क्लिप्स मिलेंगे इस व्लॉग में। सो टाइम शॉर्ट है, चलते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ। अब जी मैं तैयार होकर यूनिवर्सिटी पहुंच चुकी हूं और मैं मलाइका वाली क्लास ले रहे थे और इस क्लास की वजह से हम अपना जो फेवरेट नाश्ता जो हम रोज़ करते हैं वो हम नहीं कर सकेंगे। अभी 11 बज रहे हैं और हमारी क्लास 9:30 बजे थी और 11 बजे क्लास ख़त्म हुई है। अब मैंने मलाइका को पहले ही कहा था कि 11 बजे फूड ट्रक का नाश्ता नहीं मिलेगा, हम नाश्ते फूड ट्रक ही खाते हैं, ज़्यादा मज़े होते हैं। वो तो ख़त्म हो गया। क्या हुआ? नाश्ता ख़त्म हो गया। तो मैं तुम्हें पहले कहा था हम लेट है, नाश्ता ख़त्म हो जाएगा इस टाइम तक, जो पैसे लेके खड़े हुए दिखाओ। अब हम चले गए मेन कैफ़े और वहाँ पे हमने लिए ये चावल और चने। ऑल्दो यहाँ पे मेन्यू बहुत वास्ट होता है लेकिन यहाँ पे फूड क्वालिटी और हाइजीन का इतना ख्याल नहीं रखा जाता, सो हम यहाँ से खाना लेना प्रेफर नहीं करते। बट स्टिल हम अभी कोई चॉइस नहीं थी हमारे पास, तो फिर हमने ही से लिए चने और चावल। यूनिवर्सिटी के मेन कैफे से ही बेकरी आइटम्स भी मिलते हैं लेकिन यहाँ से भी हम कुछ लेना प्रेफर नहीं करते। उसकी वजह यही है कि यहाँ पे हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जाता और इसी वजह से एक बार यूनिवर्सिटी का कैफे सील भी हो गया था। खैर नाश्ता करने के बाद हमने ली चाय फूड ट्रक से और उसके बाद हम चले गए मीडिया लैब। क्या हुआ है? कैसे अभी तक लोग इस चीज़ को बहुत ऑकवर्डली लेते हैं। अगर आप पब्लिकली व्लॉग कर रहे हैं, कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपको बहुत अजीब तरीके से देखते हैं और यही बात मलाइका भी बता रही थी। एनीहाउ उसके बाद हम अपना दूसरा लेक्चर लेने चले गए और यहाँ पे मैं मलाइका के स्टिकी नोट से अपने रजिस्टर के अंदर सेक्शंस बना रही हूँ डिफरेंट कोर्सेज के। अब लेक्चर के एंड पे मलाइका ने अपने बैग से ये कैंडी स्ट्रॉस निकाले हैं, इसके अंदर पाउडर फॉर्म में कैंडी होती है। मैंने ये पहली बार खाई थी, इनफैक्ट मैंने देखी पहली बार थी लेकिन ये अच्छी थी। नाउ दिस इज द नेक्स्ट डे एट यूनिवर्सिटी और मैं मलाइका सेकंड फ्लोर पे जा रहे हैं हमारा पहला लेक्चर लेने के लिए। अब ये थी वो बात कि यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स पढ़ने के अलावा सोते भी हैं। मेरे पास मलाइका की इस तरह की इतनी वीडियोस हैं कि मैं चाहूँ तो मैं पूरा एक व्लॉग बना सकती हूँ उसके ऊपर कि वो कितनी बार क्लास में सोती है और लेक्चर नहीं लेती, वो कितना सोती है, लेकिन वो क्यों सोती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक जाती है क्योंकि वो कहीं जॉब भी करती है। अब नींद जितनी मर्जी गहरी हो लेकिन अपनी रोल कॉल पर इसकी आँख ज़रूर खुल जाती है। निकाल लो, क्या टपक रहा है? मलाइका ने अपनी वाटर कैन बंद किए बगैर ही बैग में रख दी थी, इसकी वजह से उसके बैग में सारा पानी चला गया और उसके बाद हम गए मेन कैफ़े। वहाँ से हमने लिया ये फ्रेश लाइम और साथ में फ्राइज़ और नगेट्स। फ्राइज़ इतने मज़े के नहीं थे, आई थिंक अच्छे से फ्राई नहीं हुए हुए थे, पर नगेट्स और फ्रेश लाइम अच्छा था। नाउ हियर इज़ एन अदर डे एट यूनिवर्सिटी और यहाँ मलाइका पढ़ते पढ़ते सो गई है। मतलब कि रावल साहब को इतनी नींद आई हुई थी कि पढ़ना भी है क्योंकि हमारा क्विज था साइकोलॉजी का और साथ में पढ़ा जा भी नहीं रहा था कि उसको नींद आई हुई थी। अब यहाँ मैं मलाइका को उठा रही थी क्योंकि क्लास का टाइम हो गया था, हमें क्विज के लिए लेट नहीं होना था। क्विज देने के बाद हमने खाया खाना और यहाँ मलाइका बना के लाई हुई थी बटर चिकन जो उसने खुद बनाया था और काफ़ी अच्छा था। अब वो कमेंट करेगी मैं सब कुछ ही बहुत अच्छा बनाती हूँ। जी हमें पता है मलाइका बहुत अच्छी कुकिंग करती है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मलाइका के चैनल का लिंक अटैच कर रही हूँ, सो आपने उसका चैनल में जाकर सब्सक्राइब करना और उसकी वीडियोज़ भी देखा करें। ये परफ्यूम मलाइका ने आमना को गिफ्ट किया क्योंकि कुछ अर्सा पहले आमना की बर्थडे थी, तो ये रहा उसका बर्थडे प्रेजेंट। अगेन इट्स अनदर डे एट यूनिवर्सिटी और इस दिन मुझे मलाइका ने कहा था कि सर प्लीज़ नाश्ता घर से लेके आना, तो मैं चीज़ ऑमलेट और पराठा इसके लिए लेके आई थी।
और इसको इतनी भूख लगी हुई थी कि इसने क्लास में बैठे बैठे खाना शुरू कर दिया, और उसके बाद हमने ली चाय, क्योंकि नाश्ते के बाद चाय तो मैंडेटरी है ना। नाउ दिस इज़ एन अदर डे एट यूनिवर्सिटी, और इस दिन बच्चे मेरे साथ आए थे क्योंकि यूनिवर्सिटी में आया था सकलैन हैदर। और टू बी ऑनेस्ट, सकलैन हैदर का सारा कंटेंट बच्चों के देखने वाला नहीं होता, लेकिन कुछ वीडियोस बच्चों ने देखी हुई जिसमें उन्होंने दुपट्टा लिया होता है, अम्मी बने होते हैं, बहुत ही रिलेटेबल कंटेंट होता है कि अम्मियाँ बच्चों से कैसे बिहेव करती हैं। सो सारा और हैदर दोनों ने कहा कि हमने आपके साथ आज यूनिवर्सिटी आना है। और ये चैलेंज मुझे भी फेस करना पड़ा था, तो उसके लिए मैंने काम किया था कि मैंने अपने पूरे बैच को ब्लॉक कर दिया था इंस्टाग्राम, और वो ज़्यादा दिन उनको मैं छुपा नहीं पाया, उनको दो दिन में ही पता चल गया था कि मैंने सबको ब्लॉक किया, क्योंकि मेरे दोस्त ने रील भेजी थी इंस्टाग्राम पर, तो उसको मेरा अकाउंट नहीं था मिला, तो मैंने सबको ब्लॉक किया होता। मैं अपने उन दोस्तों से रोज उठता बैठा था, लेकिन स्टिल मैंने उन सबको ब्लॉक किया होता, क्योंकि मुझे पता था बड़ी बिस्ती करेंगे कॉमेंट्स में आके मेरी। मेरा एक दोस्त कॉमेंट कर रहा है लव फ्रॉम युगांडा। सेमिनार के बाद ज़ारा और हैदर आ गए अपनी फेवरेट खाला के पास, यानी कि मलाइका के पास। पढ़ गए तुम्हारे? हाँ जी, तो देखा आपने आज के ब्लॉग में कि मैंने आपको दो तीन दिन यूनिवर्सिटी के दिखाए हैं, और उसमें हम लोग क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, कैसे होता है कि हम पढ़ते पढ़ते सो भी जाते हैं, थक जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, और हमारे साथ क्या डिज़ास्टर होते हैं, कभी बैग में पानी आ जाता है, कभी खाना हमारा ख़राब हो जाता है, लाइक देर आर सो मेनी थिंग्स जो हमारे साथ यूनिवर्सिटी में होती है, कभी हमें जो हमने खाना खाना होता है वो हमें मिलता नहीं है, ख़त्म हो जाता है, या कुछ भी है। सो आई होप आपको यूनिवर्सिटी की लाइफ के जो छोटे छोटे क्लिप्स दिखाए मैंने आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। टिल नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफिज़।